हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट स्टडी। टाइम टू डू स्टेंजर नंबर लेते सेट द कंगारू टू द डक अब तक डक टू स्टेंजर्स वी हैव डन एंड इन बोथ स्टेंजर्स डक वाज रिक्वेस्टिंग टू कंगारू ठीक है नाउ कंगारू वुड से टू डक समथिंग देखिए क्या कहता है कहते सेट द कंगारू टू द डक अब डक को कंगारू ने बोला

मैं पूरा ओवरऑल सोचता हूँ तो शायद इट माइट ब्रिंग मी लक कि शायद ये मेरे लिए लक लेके आए या मीन्स मेरे लिए भाग्यशाली हो एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्शन जो है वो नज़र आता है विच इज इफ यू विल लेट स्पीक सो बोल्ड अगर वो जो ऑब्जेक्शन है उसे अगर आप मुझे परमिशन दो सो so बोल्ड कि बड़ी बहादुरी के साथ बात करने की तो मैं आपको वो बता दूं योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड Cold. आपके जो लेग है आपके जो फीट है आपके जो पैर है वो बहुत ज़्यादा वेट और कोल्ड रहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे रहते हैं एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मट इज सेट द कंगारू और शायद क्योंकि आपके फीट जो है आपके पाँव जो है आपके पैर बहुत वेट और कोल्ड रहते हैं शायद इसकी वजह से मुझे रूमाटीज रूमाटीज एक गठिया बाह का रोग होता है स्टूडेंट्स तो शायद मुझे वो बीमारी ना हो जाए ठीक है तो ये कंगारू ने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की है डक के साथ नेक्स्ट संजय में वी विल रीड कि क्या सोल्यूशन निकालते हैं डक और कंगारू मिल के बट बिफोर दैट डू दीज क्वेश्चन वट रिक्वेस्ट डिड डक मेक टू द कंगारू डे क्या रिक्वेस्ट की थी फिर वट वॉज द रियक्शन ऑफ द कंगारू एट दिक्वेस्ट वो मीनिंग पूछा है रिफ्लेक्शन का यहाँ पर और पॉइम कौन से पॉइंस उसमें से ली गई है कौन से ये कौन सी पॉइम से लिया गया है उस पॉइम का नेम पूछा है सो राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चन्स स्टूडेंट्स गुड बाय टेक केयर